नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। 30 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक अधिनियम 2019 वजूद में आ गया। हालांकि इसके लिए बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा। राज्यसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जो संख्या कम थी, जिसके कारण ये बिल गिर जाता था, पास नहीं हो पाता था। लेकिन कल 30 जुलाई 2019 को ये बिल राज्यसभा में पास हो गया और ये अधिनियम वजूद में आ गया। इसको लेकर के मुस्लिम महिलाओं में खासा उत्साह है और मुस्लिम महिलाओं का ये मानना है कि जिस तरह से ये कुरीति थी मुस्लिम समाज में, ये ख़त्म होगी और सामाजिक समानता का अधिकार भी इन लोगों को मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं में जो त्रासदी थी, वो तीन तलाक शब्द कह करके ज़िंदगी बर्बाद होने का इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि तीन तलाक ये चिट्ठी से होता था, व्हाट्सएप के ज़माने में व्हाट्सएप पर लिख करके होता है या मुंह से बोल करके होता था। लेकिन इन सारे जो कुरीति है, इससे इस अधिनियम से निजात मिलेगी और मुस्लिम महिलाओं में खासा उत्साह है। दिल्ली में जो सांसद हैं विजय गोयल और प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री हैं, उनके समक्ष मुस्लिम महिलाओं ने जा कर के साधुवाद किया है, धन्यवाद दिया है और एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम में महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मोदी के बारे में हमें बोलने के कोई शक्ति नहीं है, मतलब हम उनके कैसे शुक्रिया अदा करें इस चीज़ का जो उन्होंने हमारे लिए इस चीज़ ये करा है और औरतों को पूरा हक दिया है जीने का, अपनी औरतों को पूरी आज़ादी दी है जीने की। और जो ये मर्दों के तीन तलाक वाले शब्द थे, ये मोदी जी ने उनके हाथों से मुंह से छीन लिए हैं। इस मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, थैंक यू। मुस्लिम बहनें जो हैं हमारे बीच के अंदर आई हैं और इनमें से बहुत ने ख्वाहिश करी थी कि हम मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता अभी पार्लियामेंट चल रही है कि मोदी जी आपको कब मिल पाएंगे, किंतु आप अपनी खुशी का जो इजहार है वो आज मेरे घर पर आकर कर सकते हैं, मिठाई खा के और मिठाई खिला कर सकते हैं। अगर कांग्रेस भी चाहती तो पिछले 60 साल के अंदर इस बिल को ला सकती थी और मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिला सकती थी, पर आपने देखा है कि कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं किया। बल्कि जब हम इस बिल को लेकर आए तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल हो या वो आम आदमी पार्टी हो, इन सब ने इसका विरोध किया। लोकसभा में तो उन्होंने हाँ करी, किंतु यहाँ आते आते जो है इन्होंने इसका जो है वो विरोध करना शुरू किया जी। इस तीन तलाक के कारण आप जानते हो, महिलाओं को एक बार सामने बोल देते तलाक 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 और उसको छोड़ देते थे, महिला को भी और गरीब बच्चों को भी छोड़ देते थे। टेलीफोन पर ही तलाक दिए जाने लगे, टेलीफोन के बाद चिट्ठी लिख के तलाक दिए जाने लगे, उसके बाद ऑनलाइन दे दिए और अभी व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। आप जानते हैं व्हाट्सएप पे लिखा क्यों, नया निकाह करना है तो तलाक देना है, औरत सुंदर नहीं रही तो तलाक देना है, औरत ठीक कर से खाना नहीं बना रही तो तलाक देना है, बीमार हो गई है जब देखभाल करनी पड़ेगी तो इसलिए भी तलाक देना है। मेरे से ज्यादा तो आज आपने यहाँ 15-20 महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने अपने उद्गार किए हैं। ये हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है जो बरसों तक हमारे को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, उन्होंने नहीं करके दिया है, इसलिए हम मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। जाके ये जो आज कल हुआ वो कितने सालों की मेहनत के बाद हुआ है। हर समाज में कोई कुरीति है, कुप्रथा है, जानी चाहिए। सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, जितने भी मुस्लिम देश है उन सब ने तीन तलाक को बंदी डाली थी, पहले से डाली है। लेकिन क्योंकि महिलाओं का अधिकार वो समझते हैं, लेकिन ये देश ऐसा था कि जहां वोट बैंक की राजनीति के कारण ये करना नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने राजनीति ऐसी की, 86 में एक मुस्लिम महिला को तलाक देने के बाद केवल 115 रुपए पेंशन देने की, 115 रुपए हर महीने का, 150 रुपए देने का मुद्दा था, एक वकील पति था, लेकिन उसको 150 रुपए भी नागवार लगा, उसने सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
ये देना ही पड़ेगा महिला के जीवन के लिए, लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन सड़क पर हुआ और उस समय कांग्रेस झुक गई और शाहबानो का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था वो बदल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 3 तलाक गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी अगर गैर कानूनी तो बहुत सारे अपराध है, लेकिन उसके लिए कानून भी बनाना पड़ता है। वो कानून बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं थे और राज्यसभा में हमारी कम ताकत थी, तो इसलिए ये पास नहीं होने दिया 3 बार। लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक दिन है, कल ये बिल आया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और चर्चा के बाद राज्यसभा में भी ये पास हो गया। अब ये लॉ बन गया है, अब कोई इसके बीच में कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।